student, this is for class 5 and I am here with the solution of your second chapter. So first question is fill in the blanks. The boundaries of various countries or states are shown in the blank map. कौन सा मैप में, जैसे हम लोग ने मैप का टाइप पढ़े थे, तो कौन सा टाइप मैप, टाइप्स ऑफ मैप है जिसमें हम लोग बाउंड्री शो करते हैं कोई दो देश के बीच में या स्टेट के बीच में, तो कौन सा मैप में, पॉलिटिकल मैप में शो करते हैं, वी में. इन द ब्लैंक मैप्स डिफरेंट कलर्स आर यूज टू शो द हाई लैंड एंड लो लैंड. कौन सा मैप में हम लोग कलर, अलग अलग कलर यूज करते हैं, अलग अलग, जैसे हाई लैंड को शो करने में, लो लैंड को शो करने में, तो इस किस में होगा, फिजिकल मैप में करते थे. अब सी में, कॉमन सिंबल यूज इन टोपोग्राफिकल मैप्स आर कॉल्ड. जो कॉमन सिंबल यूज किया जाता था टोपोग्राफिकल मैप्स में, उसे हम क्या बोलते हैं, कौन सा साइन बोलते हैं, कन्वेंशनल साइन बोलते हैं. अब डी में है, द मैप्स शोइंग सिलेक्टेड फीचर्स सच एज एनुअल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, टाइप्स ऑफ नेचुरल वेजिटेशन आर कॉल्ड ब्लैंक. क्या कहलाता था, वैसा मैप जिसके लिए हम कोई थीम पे बेस्ड होता था, जैसे नेचुरल वेजिटेशन हो गया या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल हो गया, तो ऐसा कौन सा मैप यूज करते हैं, थेमेटिक मैप. अब आपका क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, हाँ, इसमें आपको सही टाइम पे टिक लगाना है. द मैप ऑफ ए टाउन इज लार्ज स्मॉल मैप, कौन होगा, तो टाउन के लिए, किसी टाउन के लिए हम लोग लार्ज मैप यूज करते हैं, तो इसका आंसर लार्ज हो जाएगा. मैप्स ग्लोब्स कैन बी मेड फॉर डिफरेंट कॉन्टिनेंट और कंट्री, मैप या ग्लोब होगा, इसमें मैप्स होगा. तीसरा में, कन्वेंशनल साइंस आर यूज इन पॉलिटिकल या टोपोग्राफिकल मैप, अभी बताया था टोपोग्राफिकल होगा. डी में, तमिलनाडु केरला इज इन द साउथ वेस्ट ऑफ इंडिया, कौन है, केरला है. अब जब आप मैप को देखेंगे तो नीचे में होगा, जैसा कि हम लोग जानते हैं ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ हो, तो नीचे के भाग में आप देखिएगा तो वहाँ केरला होगा. ई में, द बुक ऑफ ए मैप इज कॉल्ड डिक्शनरी और एन एटलस, बुक ऑफ मैप को क्या बोलते हैं हम लोग, एटलस बोलते हैं, है ना. अब आपको मैच करना है, तो इसमें जनरली कौन सा कलर शो करते हैं वही है. तो फर्स्ट में माउंटेन, तो माउंटेन्स को हम कौन से कलर को यूज करते हैं, जैसा कि मैंने बताया था, तो माउंटेन्स को डार्क ब्राउन कलर से हम लोग इंगित करते हैं, तो डार्क ब्राउन कलर, तो एक का आंसर ए का 3 हो जाएगा. हिल्स और प्लेटूज को हम क्या चीज से शो करते हैं, येल्लो कलर से करते हैं, यहाँ है, तो मतलब कि 4. अब है प्लेन्स को हम लोग जनरली ग्रीन कलर से इंगित करते हैं, ग्रीन कलर कहाँ है, ग्रीन कलर 2. अब है डीप वाटर्स को हम लोग डार्क ब्लू कलर से करते हैं, डार्क ब्लू 5 में है. अब सोयलो वाटर को हम लोग क्या करते हैं, लाइट ब्लू कलर मतलब 1. आशा है आप लोग समझ गए होंगे, और आज आप लोगों का मैं 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये बनाना खुद से करना है. देखिए, नेम द डायरेक्शन शोन इन द गिवन फिगर बाय नंबर, ये जो नंबर है तो आपको यहाँ पे बताना है कौन सा साइड है, नॉर्थ है, ये क्या हो जाएगा कहलाएगा, एक क्या कहलाएगा. यू हैव टू सोल्व दिस एंड योर सेकेंड क्वेश्चन नंबर 5 यू हैव टू ऑल्सो डू बाई, देखो कन्वेंशनल साइन को इसमें ड्रॉ करना है, रिवर का क्या साइन है, ब्रिज का क्या है, मॉस्क्यू का क्या है, चर्च का क्या है, आपको खुद से करना होगा जो क्वेश्चन. और अगले दिन मैं 6 का क्वेश्चन का सॉल्यूशन के साथ आऊँगा. डेट्स ऑल फॉर टुडे डियर स्टूडेंट.